नमस्कार। मेडिसिन के एक नए टॉपिक में अब हम कार्डियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे पल्स के बारे में, रिदम के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पल्स रेट के बारे में। यहाँ पर पल्स किसकी जानकारी देता है उसको इस इमेज में हम विजुअलाइज कर सकते हैं। आप देखिए, हार्ट के फंक्शन को हम इनडायरेक्टली पल्स के माध्यम से अनुमान लगा लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये हार्ट की एक्टिविटीज को हम पल्स के माध्यम से पता करते हैं। इसीलिए पल्स को हम क्या कहते हैं, हम सीधे तौर पर पल्स रेट को हम हार्ट रेट भी कहते हैं। और आम तौर पर इसका वैल्यू 60 बीट्स पर मिनट होता है। जितना हार्ट बीट करेगा उतने पल्स हमें मिलेंगे। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू एक नॉर्मल कंडीशन में कितनी होती है, 60 बीट्स पर मिनट्स होती है। 60 से लेकर 100 तक अगर है तो इसे नॉर्मल हार्ट रेट या नॉर्मल पल्स रेट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एज के हिसाब से भी इसकी वैल्यू बदलती है? तो बिल्कुल बदलती हैं। इसकी वैल्यू हम अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग पाते हैं। जैसे न्यू बॉर्न अगर है तो उसका एवरेज हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट होता है। 7 ईयर्स तक ये 85 से 90 तक होता है, और 14 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते ये कम होकर के 80 to 85, आप समझ सकते हैं, ये एडल्ट्स में पहुंच करके 70 to 80 तक रहता है। तो मोर और लेस अगर आप कहें 60 to 100 तक नॉर्मल हार्ट रेट या नॉर्मल पल्स रेट कहा जाता है। 60 से अगर बिलो हो गया तब हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, और अगर 100 से ज्यादा हो जाए तब हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब ये कि हार्ट स्लोली फंक्शन कर रहा है। टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट कुछ ज्यादा ही फंक्शन कर रहा है। ब्रैडीकार्डिया कब कहेंगे, जब 60 बीट्स पर मिनट से कम मिलेगा। तो उस समय हम 60 बीट्स पर मिनट से कम मिलेगा तो ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, और अगर 100 से ज्यादा मिलने लगे तो टैकीकार्डिया कहेंगे। और इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं, कार्डियक फंक्शन से हम रिलेट करके समझ सकते हैं। अब सवाल यह है कि पल्स को चेक करते समय हम किन किन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब भी पल्स को चेक करते हैं तो कुछ एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम पल्स के रेट को देखेंगे, रिदम को देखेंगे, वॉल्यूम को देखते हैं, कैरेक्टर को देखते हैं, कंडीशन ऑफ वेसल वॉल को देखते हैं, और रेडियो फीमोरल डिले को देखते हैं। पल्स होता क्या है, पल्स रेट क्या होता है, तो इसको समझ ले। पल्स का मतलब ही होता है वेव, एक ऐसा वेव जो कि बेस ऑफ एओर्टा से जनरेट होता है। यहां पर हम इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर बेस ऑफ एओर्टा से पल्स जनरेट होता है जो कि एट्रियल वॉल से होते हुए स्प्रेड करेगा पेरिफेरल आर्टरीज तक, और हम पेरिफेरल आर्टरीज में उस वेव को महसूस करने का प्रयास करते। तो ये जो वेव बना वो क्यों बना, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट, इस वजह से ये बना है। और यहां पर हम नॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से इसको नहीं देखते हैं। पल्स इसलिए नहीं बना कि वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, पंप कर रहा है हार्ट, इस वजह से वेव बना है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं पेरिफेरल आर्टरीज में। मैंने आपको बताया है कि पल्स को देखते समय रेट देखना होता है, रिदम देखना होता है, वॉल्यूम देखना होता है, कैरेक्टर, कंडीशन ऑफ आर्ट्रियल वॉल, रेडियो रेडियल या फिर रेडियो फीमोरल डिले को देखना होता है। पल्स के बारे में मैंने आपको बताया भी कि ये इसका रेट एवरेज 60 से लेकर 100 तक एवरेज मान लिया जाता है। 60 से बिलो अगर है तो ब्रैडीकार्डिया। कई बार ऐसा होता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है, उनका पल्स रेट कम होता है, और वो नॉर्मल कंडीशन होती है एथलीट्स में। ये चीज आप किसी एथलीट्स में देखेंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनमें पल्स रेट 60 से बिलो मिले तो उनको ब्रैडीकार्डिया नहीं कहते हैं, वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है। पल्स रेट अगर 100 से ज्यादा हो, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं, तो टैकीकार्डिया कहते हैं। एंजाइटी, फियर, नॉइज की वजह से पल्स रेट बढ़ सकता है। रेट की बात कर लिया तो चलिए अब रिदम की बात करते हैं। रिदम, रिदम में कैसा होगा, इरेगुलर पल्स मिल रहा है या फिर रेगुलरली रेगुलर पल्स मिल रहा है, इसको इस इमेज से हम देख सकते हैं। वॉल्यूम हमें पता चल रहा है और रिदम हम इस फ्रीक्वेंसी से पता कर रहे हैं। तो रिदम का पैटर्न रेगुलरली इरेगुलर है या फिर इरेगुलरली
इरेगुलर है, रेगुलरली इरेगुलर, मतलब आप समझ सकते हैं यहां पर जो रिदम है वो देखिए रेगुलर इंटरवल पर इरेगुलर हो रहा है, इसको हम रेगुलरली इरेगुलर कह रहे हैं। जबकि इरेगुलरली इरेगुलर मतलब ये कि कुछ भी नहीं पता है कि कब रिदम कैसा रहेगा, तो इसको हम इरेगुलर इरेगुलरली इरेगुलर ये रिदम हम कहते हैं। तो कभी कभी इरेगुलर पल्स मिल रहा है तो ये एक्स्ट्रा सिस्टोल की कंडीशन हो सकती है, लेकिन रेगुलरली इरेगुलर हो या फिर इरेगुलरली इरेगुलर हो तो इस तरीके का जो रिदम है इसको तो रेगुलरली इरेगुलरिटी कब मिलेगी, इस तरीके का रिदम कब होगा, जब एक्टोपिक बीटिंग एक रेगुलर इंटरवल पर हो रहा हो, इस तरीके के मामलों में यह कंडीशन देखने को मिलेगी। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक हो या फिर साइनस एरिथमिया हो, यह ब्लॉक एवी नोड पर होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साइनस एरिथमिया होने पर भी रेगुलरली इरेगुलर पल्स मिलते हैं। साइनस एरिथमिया का क्या मतलब हुआ कि ऐसे नोड वेरिंग रेट से पल्स जनरेट कर रहा है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा उसको समझ लें। यहां पर आप जानते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गाटा से निकलने वाला वेगस नर्व कंट्रोल करता है ऐसे नोड को, ये ऐसे नोड को की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और यहां पर लिंक आप हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप देखें, जब कभी भी रेस्पिरेशन की घटनाएं होती हैं रेस्पिरेशन के दौरान आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे रेस्पिरेशन के समय हार्ट रेट या फिर जो भी पल्स एक्टिविटीज जो होती हैं हार्ट रेट बढ़ जाएगा इंस्पिरेशन के समय, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, और एक्सपिरेशन के समय ये घट जाता है। तो रिदम का जो पैटर्न है आप देख सकते हैं यहां पर, एक्सपिरेशन के समय हार्ट रेट स्लो हो जाता है और इंस्पिरेशन के समय ये फास्ट हो जाता है। तो रेगुलरली इरेगुलर होने का एक कारण साइनस एरिथमिया भी हो सकता है, जबकि इरेगुलरली इरेगुलर बहुत ज्यादा मामला बिगड़ा हुआ है वो कब हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन के समय, मल्टीपल एक्टोपिक्स हो, जाहिर सी बात है कार्डियक एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाएगी, इस वजह से वेव्स के पैटर्न इरेगुलरली इरेगुलर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पल्स के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जिसमें हम पल्स प्रेशर के रिफ्लेक्शंस को अपने फिंगर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, कितने वॉल्यूम में रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है, तो आप जानते हैं ना हमारा हार्ट रेट आमतौर पर 120 बाई 80 होता है, तो इस दौरान इसके डिफरेंस की मदद से हम पल्स प्रेशर को चेक करते हैं, और ये जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली यहां पर हमें अंदाजा लग जाएगा पल्स के वॉल्यूम का। तो जैसे ये देखिए ये 40 है, अभी आप कंपैरिजन करेंगे तो आप समझ पाएंगे, मान लीजिए किसी पर्सन का मींस ब्लड प्रेशर 90/70 है तो उस समय इनका पल्स प्रेशर 20 mmHg के आसपास आएगा इसका डिफरेंस। किसी पर्सन का 130/60 है तो ऐसे पर्सन का पल्स प्रेशर कितना आएगा, ये आ जाएगा 70 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं जितना ही इनके बीच में डिफरेंस होता है उससे हमें पल्स प्रेशर पता चलता है, और पल्स प्रेशर एक्चुअली पल्स वॉल्यूम के बारे में आइडिया देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली वॉल्यूम जो होता है ये मूवमेंट का पता लगता है जो कि हम अपने फिंगर्स के माध्यम से पता करते हैं, ये पल्स प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। और पल्स प्रेशर होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसके बीच का डिफरेंस, और इसे हम कैरोटिड आर्टरी को पालपेट करके पता कर सकते हैं। आमतौर पर ये पल्स प्रेशर की वैल्यू जो डिफरेंस है वो 30-60 तक होता है। आप देखिए इस पर्सन में नॉर्मल सिचुएशन में 30-60 तक होता है तब पल्स वॉल्यूम नॉर्मल माना जाता है, जब पल्स प्रेशर 30 होगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, पल्स वॉल्यूम भी लेस हो जाएगा, तो इसलिए हम स्मॉल वॉल्यूम पल्स कहते हैं। आप बात को इमेजिन करते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
जब पल्स प्रेशर 60 से ज्यादा हो जाता है तो इसे लार्ज वॉल्यूम पल्स कहते हैं। स्पष्ट है कि वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा ये पल्स प्रेशर पर डिपेंड करेगा। पल्स प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा पल्स वॉल्यूम मिलेगा, पल्स प्रेशर कम होगा तो पल्स वॉल्यूम कम मिलेगा। तो अब तक हम लोगों ने पल्स का रेट पढ़ लिया, रिदम पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, अब हम कैरेक्टर की बात करेंगे। कैरेक्टर में क्या होगा, स्लो राइजिंग और प्लेटू मिल रहा है तो ये एट्रियल डिफरेंट कंडीशंस के बारे में आइडिया देगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्लो राइजिंग है तो क्या होगा उसको देखिए, स्लो राइजिंग या फिर बाउंडिंग पल्स है तो ये कैसी कंडीशन हो सकती है और कब हो सकती है उसको अब हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो स्लो राइजिंग है तो ये एआर्टिक स्टेनोसिस के बारे में आइडिया देता है। अगर कोलैप्सिंग पल्स है तो ये एआर्टिक रिगर्जिटेशन के बारे में आइडिया देता है। पल्स धीरे धीरे राइज क्यों कर रहा है इसको भी आप समझ सकते हैं, इसको इमेजिन करने का प्रयास करें तो बिल्कुल समझ सकते हैं। स्लोली राइज इसलिए कर रहा है क्योंकि स्टेनोसिस होने की वजह से न वाल्व पूरी तरह ओपन हो रहे हैं और न ही वाल्व पूरी तरीके से क्लोज हो रहे हैं। तो आमतौर पर यहां पर आप इस कंडीशन को तुलना करेंगे तो आप समझ पाएंगे नॉर्मल एआर्टिक वाल्व में क्या होता है, जब पंप किया जाता है तो पूरा का पूरा ब्लड बहुत तेजी से पंप होता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम में सिस्टोल के समय ब्लड पंप होगा। लेकिन अगर एआर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस है तो रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होगा। आप देखिए थिकनेस ऑफ एरो को देख सकते हैं तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर क्यों एआर्टिक स्टेनोसिस में स्लोली पल्स राइज करेगा, धीरे धीरे ब्लड जाएगा तो धीरे धीरे ही उसके राइज करेगा। कोलैप्सिंग पल्स कब हो सकता है इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें तो ये एआर्टिक रिगर्जिटेशन के समय पॉसिबल है। आप इस इमेज में पहले एआर्टिक रिगर्जिटेशन को देखें फिर आप समझ सकेंगे कि ये कोलैप्सिंग पल्स क्यों मिला। सिस्टोल के समय ब्लड को पंप किया गया और आप जानते हैं कि पल्स होता क्या है, कार्डियक पंपिंग एक्टिविटीज के बारे में आइडिया देता, तो पंप किया गया लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बैक ब्लड आ गया, लीकेज ऑफ वॉल्व की वजह से यहां पर ये वापस आ गया। एआर्टिक रिगर्जिटेशन की इस कंडीशन को आप यहां पर देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लीकेज ऑफ वॉल्व की वजह से आप देखिए यहां पर अलग अलग कंडीशन और उसमें सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें। लीकेज ऑफ वॉल्व की वजह से कोलैप्सिंग पल्स मिला एआर्टिक रिगर्जिटेशन में, कोलैप्स कर गया पल्स जो बनना चाहिए वो पल्स का वो पैटर्न बना ही नहीं। इसी तरीके से यहां पर बिस्फेरियंस की कंडीशन कब पॉसिबल है, पल्सेस बिस्फेरियंस कब पॉसिबल है इस कंडीशन को इमेजिन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं वॉल्व में स्टेनोसिस है इस वजह से बैक फ्लो हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से वॉल्व खुले नहीं हैं तो बैक फ्लो हो सकता है। इसीलिए अगर स्टेनोसिस के साथ ही साथ रिगर्जिटेशन है, यहां पर इस चीज को आप इमेजिन करें, स्टेनोसिस के साथ ही साथ रिगर्जिटेशन भी है तो पल्स में दो पीक आते हैं और दोनों ही पीक्स सिस्टोल के समय आते हैं। अप स्ट्रोक शार्प होगा, राइज करेगा, पहला पीक मिलेगा, फिर वो फॉल करेगा और उसके बाद सेकेंड पीक मिलता है। दोनों ही डबल पल्स जैसा हमें महसूस होता है, दोनों ही ये पीक सिस्टोल के समय मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक बार पीक बना फिर दोबारा पीक बना, ये दोनों ही पीक्स हमें सिस्टोल के समय मिलते हैं और यह कंडीशन एआर्टिक रिगर्जिटेशन और एआर्टिक स्टेनोसिस दोनों के ही कंबाइंड फॉर्म के होने की वजह से मिलता है। यहां पर हम अब तक जितने भी पल्स के पैटर्न को देखे हैं उसको एक बार इमेजिन कर सकते हैं। नॉर्मल पल्स कुछ इस तरीके से होता है, स्मॉल या वीक पल्स होने पर क्या होगा, जो पल्स प्रेशर है वो कम हो जाएगा इसलिए पीक उतनी हाइट तक नहीं जाएगी। आप देखिए छोटे छोटे वेव्स मिल रहे हैं। लार्ज या बाउंडिंग पल्स कब कहते हैं, जब पल्स प्रेशर हमें ज्यादा मिलता है, कब मिलेगा ये आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। बिस्फेरियंस पल्स कब मिलेंगे,
ये कंडीशन भी मैंने आपको बताया, जब स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन एक साथ होंगे तो सिस्टोल के समय दो पीक मिलेगा। आप देखिए, एक पीक यहां पर, एक पीक यहां पर। इसके बाद हम बात करेंगे पल्सस पैराडॉक्सस की, लेकिन इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम कोलैप्सिंग पल्स की कंडीशंस को थोड़ा सा और कुछ और कंडीशंस को भी समझ लें। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अलावा एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रेगनेंसी, बेरी, ये सारे कंडीशंस कोलैप्सिंग पल्स का आइडिया देते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे पल्सस पैराडॉक्सस के बारे में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।